हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ के बारे में। जैसे कि हम शेड्यूल पावर ऑन ऑफ सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे सेटिंग पर। फ्रेंड्स सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये देखिए शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो पावर ऑन। ऑटो पावर ऑन का मतलब होता है जैसे कि आप ऑटोमेटिकली फ़ोन को ऑन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 o'clock, यानी कि मैंने 7 बजे अगर रखा है तो मेरा सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली फ़ोन ऑन हो जाता है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसको कट करेंगे और यहाँ पर ऑटो पावर ऑफ। ऑटो पावर ऑफ का मतलब होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो पावर ऑफ, यानी कि ऑटोमेटिकली आप अपने फ़ोन को ऑफ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सजेस्ट शेड्यूल कर रखा है और मैं इसे ऑन राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद उसी टाइम पर मेरा ये ऑफ हो जाएगा और उसी टाइम पर ऑन हो जाएगा जिस टाइम पर मैंने यहाँ पर शेड्यूल कर रखा है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।